देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, मुंबई शहर में सब कुछ है लेकिन बस दिक्कत है तो ट्रैफिक की। और इसी ट्रैफिक से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने मुंबई को दी है सौगात, कोस्टल रोड फेस वन इस प्रोजेक्ट की, जिसका इनॉग्रेशन हो चुका है और हम फिलहाल वहीं पे मौजूद हैं। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ, न्यूज प्लस की टीम आपको देगी पूरी जानकारी कोस्टल रोड फेस वन की। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ली से मरीन ड्राइव तक का जो सफर है 40 से 45 मिनट तक का है, लेकिन कोस्टल रोड के फेज वन के खुलने से अब ये सफर महज 9 से 10 मिनट तक का रहेगा। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड। इस कोस्टल रोड में भारत का पहला अंडरसी टनल बनाया गया है जो कि 2 किलोमीटर की एरिया में बना हुआ है। 6 लेन का ये रास्ता, 3 लेन आने का और 3 लेन जाने का। इस बीच अगर स्पीड लिमिट की हम बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट से इस टनल में आप जा सकते हैं। जब आप टनल में होंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, वहीं जब टनल के से बाहर निकला जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। कोस्टल रोड फेज वन में 10.58 किलोमीटर में कुल 3 इंटरचेंज हैं, जिसमें पहला है वर्ली, दूसरा है हज्जी अली और तीसरा है अमरसंस गार्डन। इन तीनों इंटरचेंज में कुल 18 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 एंट्री पॉइंट्स और 2 एग्जिट पॉइंट्स शुरू कर दिए गए हैं। मुंबई महानगर पालिका के सब इंजीनियर विजय जोरे न्यूज के साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। देश का पहला सी के नीचे, समंदर के नीचे रोड बनाया गया है, उसमें क्या क्या खासियत है? ये जो टनल है ये काफ़ी एडवांस है, ये पार्शियली टनल के नीचे है और हिल के मलबार हिल के नीचे है। इस टनल में जैसे फायर बोर्ड होते हैं जो टनल के कंक्रीट को प्रोटेक्शन करेंगे इन केस ऑफ अगर फायर या आग लग जाती है, तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फायर बोर्ड 3 आवर्स तक टिके रहेंगे, जिसके कारण फायर ब्रिगेड की आसानी होगी कि फायर सप्रेस करने के लिए, और जिसके कारण कंक्रीट को कोई भी कंक्रीट को कोई डैमेज नहीं हो जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ पे टनल के अंदर वीडियो इंसिडेंट सिस्टम है, स्पीड लिमिट कैमरास है, उसके बाद पीटीजेड कैमरा है। पीटीजेड कैमरा ऐसे है जो टेम्परेचर सेंस करते हैं टनल के अंदर, और उसकी जो कनेक्टेड स्काडा कंट्रोल रूम सिस्टम है वहाँ पे वो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद टनल में वेदर कंडीशनल मॉनिटरिंग यूनिट्स रखे गई है, उसके बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कार ब्रेक डाउन हो जाती है तो वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम रखा है, यानी जो कार डैमेज है वो ड्राइवर पर्सन डायरेक्टली कंट्रोल रूम से बात कर सकते हैं। उसके रिक्लेमेशन एरिया है, ये लगभग ऑन एन एवरेज 90 मीटर से 100 मीटर विड्थ में है। तो ये जो पूरा रिक्लेमेशन एरिया है ये प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होता है और अप टू वर्ली बैंड्रा सीलिंग तक ख़त्म हो जाता है, और इसमें हमने प्रोमोनाड की भी सुविधा की गई है जो कि लोग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू कर सकते हैं और चलकर वर्ली तक जा सकते हैं, जिसकी कुल लंबाई 7.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 से 20 मीटर तक है। उसके अलावा जो रिक्लेमेशन एरिया किया गया है इसमें लैंडस्केप एरिया भी है जो 70 हेक्टर एरिया है, उसमें ये इंक्लूड हो जाते हैं। 13,983 करोड़ की लागत से बना ये प्रोजेक्ट मुंबई महानगर पालिका का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसमें मुंबई करों का 70% समय बचेगा और 35% ईंधन बचेगा। जैसे कि भारत का ये पहला अंडरसी टनल है, उसी तरीके से पहली बार आधुनिक जो तकनीकें हैं वो भी इस्तेमाल की गई हैं। वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया गया है, एयर फ्लो का इंतजाम किया गया है। अगर आप आ रहे हैं मुंबई के कोस्टल रोड से तो जरूरी है कि आप ये इम्पोर्टेंट रूल्स को याद रखें, जैसे कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 8 से रात के 8 बजे तक ही आप कोस्टल रोड से जा सकते हैं। उसकी स्पीड लिमिट नियमित है, 80 से लेकर 60 तक ही आप इतनी तेजी से गाड़ी चला सकते हैं। मई 2024 तक कोस्टल रोड के फेज वन का पूरा काम हो जाएगा, फिलहाल 86% काम पूर्ण हो चुका है। मैं हूँ लता शर्मा, कैमरा पर्सन सुमित भोड़े के साथ। न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।